हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, इंडिपेंडेंस डे विद इंडियन आर्मी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं और ये एक तरह से ना फैमिली कॉन्टेंट बहुत बनाते हैं। बॉडी बिल्डर भी है और पायलट भी है। चल रही, ये फर्स्ट टाइम देखेंगे इनको और देखते हैं इंडिपेंडेंस डे विद इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने मनाया तो कैसा मनाया है, देखते हैं। फ्लाइंग बीस को फर्स्ट टाइम इस चैनल पर फ्लाइंग बीस की वीडियो देख रहे हैं। वैसे मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छे से। चले वीडियो देखते हैं, हियर वी गो। इनको सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पे होने का एक फायदा है, ये सब आर्मी टाइम की बड़ी पक्की है। मतलब अगर बोल दिया कि 8 बजे निकलेंगे तो 7:55 पे निकल जाते हैं। भैया सुबह उठ के 7:30 बजे 2 कप चाय दीजिएगा। 7:25 पे ही 2 कप चाय। 5 मिनट है, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। इस बार पक्का पेपरों में पता नहीं क्या होगा। दिस इज द प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। ये मेरा रूम, लेकिन सक्सेसफुल है यार। अभी हम लोग आ चुके हैं इस ऑडिटोरियम में। आज ऑल्सो इट इज नो योर आर्मी डे। पीछे ऑडिटोरियम है जहाँ पे फंक्शन होगा। एक्स आर्मी मैन आएंगे, सिविलियंस आएंगे, हम लोग भी हैं और यहाँ के जो आर्मी मैन है वो भी जाएंगे। अंदर फंक्शन में क्या होने वाला है एज ऑफ नाउ मुझे भी नहीं पता, लेकिन फंक्शन के बाद एवरीबॉडी विल गैदर इन दिस एरिया जहाँ पे हाई टी होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर कंट्री के पार्ट से जवान आता है, अपना घर छोड़ के ड्यूटी कर रहा है देश के लिए। जम्मू से भी है, साउथ से भी है, बंगाल से भी, मुंबई, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो एज एन जेस्चर, एज अ साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड, व्हाट वी हैव डन इज हम लोग कंट्री के हर पार्ट से जवान्स की फेवरेट मिठाई यहाँ पे लेके आए। एंड मैं कहता हूँ टीम है इसके पीछे, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टीम जोमाटो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश से हर फेवरेट मिठाई यहाँ पे हम लोग लेके आए और हाई टीम पे यहाँ पे विल सर्व टी और जवान्स की फेवरेट मिठाई। दिस इज द पैकेजिंग जो हम दिल्ली से लाए थे, चाइना राम की मिठाई। ये हमारी चाइना राम की मिठाई है, जोमाटो बॉम्ब से। और यहाँ पे लिखा इंटर सिटी लेजेंड्स बाय जोमाटो एंड दिस इज 75 स्वीट ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सेटअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें मिठाइयाँ आनी बाकी है। ये आगरे का पेठा, फेमस डोडा फ्रॉम जयपुर, पेड़ा ब्रिजवासी मथुरा का स्पेशल, मैसूर पैक बैंगलोर का, कोलकाता का रसगुल्ला। ये क्या है, दिस इज उल्टा लग गया, ये जो हमला उल्टा लगा हुआ है। चैना राम चांदनी चौक की स्पेशलिटी चाय रेडी है, जस्ट अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, 1 आवर चलेगा ना फंक्शन। यहाँ पे भी हमने सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे डब्बे हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे भी बहुत सारे डब्बे हमारे सेटअप हैं। जब जैसे ऑडिटोरियम फंक्शन खत्म होगा तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जिट हैं जहाँ जहाँ से लोग आएंगे। लेकिन पिक वन बॉक्स, यहाँ पे टी है अपना, यहाँ पे रहते हुए उनको अपने घर की याद अगर आती है तो दे कैन हैव देयर फेवरेट स्वीट, जो रिमेम्बरेंस आती है ना घर की। Let's go! 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 Let's
मिठाई का भारी वाला लाओ, जेल भी भारी वाला लाओ और लाओ। सो वी आर बैक टू आवर रूम। ऑडिटोरियम में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इतनी ज्यादा चीजें, एक्चुअल फुटेज देखने को मिली इंडियन आर्मी जब वॉर में एंगेज हुई थी, म्यूजिक के साथ इतने इमोशनल हो गए सब लोग। अभी जा रहे हैं हम ब्रिगेडियर साहब से मिलने, लेकिन उनके लिए मैं गिफ्ट लेके आया था। तो ये लोग कहते हैं जैसे जो दोस्ती होती है ना, जो फौज ज्वाइन करके जो दोस्ती होती है, उसके अलग लेवल के मायने होते हैं। क्योंकि जैसे आप दो लोग हैं फ्रंट पे जा रहे हैं, तो बंदा कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे कवर फायरिंग देना। तो जो बंदा आगे जा रहा होता है उसका पूरा भरोसा पीछे वाले पे होता है कि वो कवर फायरिंग देगा और वो अपनी जान उसके हवाले करके देश के लिए आगे बढ़ जाता है। मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऊपर कौन सा कलर आएगा? नीचे? बीच पे? बहुत अच्छी कलरिंग करने लगे आशु तू अब। आए मेरा बच्चा। मैं स्कूल में कलरिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, आपकी व्हाइट नहीं दिखी। अच्छा, और ऋषि एक भी व्हाइट व्हाइट नहीं दिख रहा, बिल्कुल गैप नहीं दिख रहा मेरा बच्चा। जय हिंद करते हुए। और यहाँ पे हाँ मम्मा पापा और यहाँ दादू दादी। जय हिंद करते हुए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ क्या लिखे अंदर? ऐसा लग देता है आई लव माय इंडिया। हाँ ये लिख देता है। गुड आइडिया ऋषि, गुड आइडिया, गुड आइडिया। बॉय रानी ना आई लव माय इंडिया, यू आर माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, यू आर माय इंडिया। चलो एल ओ ओ आई लव माय इंडिया। आपको पता है ऋषि जवान कौन होते हैं? मैं बताता हूँ, अपने जो कंट्री है ना ऋषि भारत, उसकी भी तो रक्षा करनी पड़ती है। वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपने देश की रक्षा करें। तो समझ रहे हो, मतलब सोचो पापा अगर अपने खुद के बच्चों को हमें छोड़ के लेकिन अपने देश की मदद। आर जवान, बिल्कुल जवान फ्लैग। ये क्लाउड्स है और ये आपका कैंप है। दिस इज आवर फैमिली, दिस इज गौरव, ऋतु, दादा, दादी, दिस इज माय वाइट डॉग, कायरा हरसेल्फ एंड पीहू माय यंगर डॉटर टू। व्हेनेवर शी इज ट्रैवलिंग समवेयर, उसको फ्लैग दिखता है ना, पापा फ्लैग जय लिखी। दीज आर द यंग ब्लड एंड यू नो द सिटीजन, कि वो अभी से ये इनके अंदर एक जज्बा रहेगा। तो वी कैन एक्चुअली इमेजिन कि बचपन से ही अगर मां-बाप की जिम्मेदारी भी है। थैंक्स अ लॉट गौरव, थैंक्स अ लॉट पर्सनली सेड कि ही लाइक्ड योर कार्ड सो मच। सो वी आर बैक टू आवर रूम। एक घंटा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा लंच करेंगे, सो जाएंगे। 4 बजे हमें दोबारा जाना है वॉर मेमोरियल। चलो ठीक है, मैं लंच कर रहा हूँ, ठीक है? ओके चलो। जी, दाल चावल रायता और ये शायद पनीर की सब्जी। दोबारा रेडी हो चुके हैं, हैड अ गुड वंडरफुल स्लीप, जिसका ये बेड और ये कंबल साक्षी है। 3:45 पे चाय मंगाई थी, और एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पंक्चुअलिटी है यहाँ पे। 3:50 निकलना था, मैंने कहा गर्म चाय पी के निकलेंगे, 3:45 सर एक चाय ले आना। इट इज़ 3:45 राइट नाउ। लाइफ में सक्सेसफुल होने की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है पंक्चुअल होना को। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं त्रिशक्ति हेरिटेज ब्लॉक में। आई एम गुड, वेलकम टू द त्रिशक्ति कोर म्यूजियम। ट्राइबल्स आर कट ऑफ फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन, इसलिए वो एक ट्राइब अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। बट ये बो बनाने, एरो बनाने की आर्ट भी, उनको शार्प करना, उस मेटल को उस शेप में काटना, मेटल का है ये अगर घुस जाना कितना डैमेज कर रहा है। हम दिन में भी देखे ना बुलेट, बुलेट के आगे इतना सा निकलता है, सर कह रहे थे वो घुसता है। तो इमेजिन दैट कम्पेयर टू दिस। पीपल गेट कन्फ्यूज कि दार्जिलिंग सिक्किम में है कि वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दार्जिलिंग दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। And out of all these general officer commanding, there are 3 generals who went on to become the chief of army staff of India. कौन सी
पबजी वाले बड़े रिलेट करेंगे इससे, 7.62 उठाते हैं, 4.1 उठाते हैं, 5.5 उठाते हैं। बांग्लादेश वॉर इन 1971, ये पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा अपना मार्किंग किया हुआ है कि उनकी कौन सी फोर्स कहाँ पे डिप्लॉयड होगी, सो इट्स कैप्चर्ड एंड देयर प्लान्स वर हमने कैप्चर्ड चाइनीज थे, ये बेसिकली लाइन से कनेक्टेड रहते हैं वायर से। हरभजन सिंह 67 में सैक्रिफाइस किया था, हाँ जी, हाँ जी सर, जिनका मुखर मंदिर है, हाँ जी, जो मंदिर है महाबार में। सर जो शहीद हो गए उनका स्मारक मंदिर, जी सर, बिल्कुल हमेशा जूते उतार के जाता हूँ। आप केवल सफल पायलट ही नहीं बल्कि मशहूर यूट्यूबर और फिटनेस कोच भी हैं। अपने बीच पाकर बड़ी खुशी एवं आनंद अनुभव कर रहे हैं। आप हमारे बीच हैं, आप सबका धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो जवान हैं चाय के बहुत शौकीन है, शाम को चाय होती है, तो जो एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड धन्यवाद तो हम नहीं कर सकते आपका, लेकिन कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आज आप लोगों के लिए चाय में आपको इतनी लार्ज क्वांटिटी में कभी मैंने बनाया नहीं, घबराहट ऊपर नीचे ना हो जाए, बट अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए देश के विभिन्न कोनों से कुछ मिठाई लाए हैं, जिसमें कि जोमैटो ने हमारे साथ पार्टनर करके हमारी हेल्प किया उसमें। तो घर से दूर आप लोग हैं हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, इसलिए छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से कि आपको आज आपके साथ बैठ के चाय पिए और कुछ आपके साथ आपकी स्टोरीज हम शेयर करें। बता क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को प्रेशर बहुत है, चाय अच्छी बननी चाहिए, अंदाजे से कर दूंगा ना, ये हलवाई वाला हाथ है नहीं मेरा। जब तक सब लोग अपना कप नहीं भर लेंगे और जहन मतलब जहन नहीं बोलेंगे कप के साथ, तो नो बड़ी स्टार्ट टू हैव द टी, हम भी ले लेते हैं, हम भी आज कैन वी डू इट विद यू, एब्सोल्युटली। बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा आप लोग के लिए कुछ मिठाइयाँ भी हैं चाय के साथ, वी हैव गॉट सम स्वीट्स इन कोलैबोरेशन विद जोमैटो। जयपुर से बेसन लड्डू लाए हम, ये आगरा का पेठा फेमस, बैंगलोर से मैसूर पाक, तो हर जगह की स्पेशलिटी हमने कोशिश की है ले जाने की। और ये है मथुरा का पेड़ा, लास्ट में ये असॉर्टेड बड़ी फेमस दिल्ली में बनती है। थैंक यू सो मच, इट इज़ रियली अ फॉर्चून दैट यू आर विद अस टुडे। एंड कहते हैं फलों की और समय की बहुत महत्व होता है, तो आई थिंक द यूनिट एज सच विल ऑलवेज रिमेंबर यू एंड चेरिश दिस मोमेंट ऑल द मोर यू प्रिपेयर दिस टी फॉर अस, सो इट मींस अ लॉट टू अस, वी विल ऑल्सो रिस्पेक्ट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सर का बड़ा योगदान था चाय बनवाने में हमारे साथ, उन्होंने कोई लाज हमारी रखी है। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहलवाना है प्राउड की। और हम आज के ब्लॉग को यहाँ करते हैं समाप्त, आज भी थोड़ा लेट हो गए, दो दिन बाद एग्जाम है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब शायद मेरी एग्जाम में ऑलरेडी चिथड़ा हो चुकी होगी। इट डिपेंड्स कि अगले दो दिन में मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, बट दो दिन में लग रहा है क्या उखाड़ पाऊंगा, क्योंकि इस बार ओपन बुक भी नहीं है। हालांकि डिनर बहुत अच्छा रहा, सारे ऑफिसर्स वहाँ आए थे, आर्मी के बारे में बहुत कुछ जाना, आर्मी के लिए जो रिस्पेक्ट हमेशा से थी वो बहुत ही ज़्यादा 2-fold, 3-fold, 4-fold हो चुकी है। एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड बीइंग अ सिटीजन एंड आई फील वेरी वेरी सेफ सेटिंग इन आर होम्स। इस ब्लॉग को करते समाप्त, अपना ख्याल रखें, मैं जाता हूँ थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ भैया, इस बार चल एलबी एलबी कर।
ओके नाइस एलएलबी कर रहे हैं भाई तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत जबरदस्त यार, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। फर्स्ट टाइम को देखा और अच्छा लगा थी। यार बहुत अच्छे यूट्यूबर है ये, मैं इनकी फिटनेस वीडियोस बहुत देखा करता था और मजा आ गया इस वीडियो का। काफी अच्छे व्लॉग बनाते हैं ये और इनकी बेटी बहुत क्यूट है और इंडियन आर्मी से खिलवाना गौरव की जय यार, बहुत बड़ी बात होती है और मजा आ गया इस वीडियो का। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो और गौरव जी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्लाइंग बीस्ट को तो जाओ सब्सक्राइब कर दो फॉरन लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।